नवीन घरकुल तालुका दक्षिण सोलापूर येथील प्रहार जनशक्ति पक्षाचे शेकडो कार्यकर्त्यांनी एमआयएमचे शहर व जिल्हाध्यक्ष फारुख भाई शाब्दिक यांच्या उपस्थित एमआयएमचे शहर कार्यालय दारुस्लाम येथे एमआयएम मध्ये प्रवेश केला। यावेळी एमआयएमचे नगरसेवक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आज शहर सोलापुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस जिसको बोलते हैं दारुस्सलाम, आज यहाँ पर माशाल्लाह निहायत ही बहुत ही खुशी का दिन मैं बोलूँगा, बहुत मुबारक मौका है जहाँ पर वसीम देशमुख नाम के एक जज्बाती और लड़ाकू मैं बोलूँगा माशाल्लाह जिद्दी भी साथ में बोले तो कम नहीं है, एक वैसा शख्स आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी को मिला है। इनके साथ साथ इनके सहकारी एजाज खलीफा माशाल्लाह, जिन्होंने मैं जब से देख रहा हूँ ये दोनों की जोड़ी जय गिरी जैसी दिखती है, साथ साथ में रहते हैं दोनों, कभी अलग नहीं दिए, तो ये दोनों ही माशाल्लाह आज इनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी में इनका ये लोग आए हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। और इनके आज के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हुए तमाम लोग हमारी कॉरपोरेटर फायदामा भंडाले हैं और हमारे सोलापुर शहर के सबसे पुराने और सबसे पहले अध्यक्ष शकील साहब हैं, मोहसिन डीके हैं, सलीम पामा है, हमारे सीनियर लीडर नसीम भाई खलीफा है, हमारी पार्टी की बुलंद आवाज़ माशाल्लाह एजाज बागवान है, सत्तार भाई पहलवान है और हमारे टीचर्स विंग के अध्यक्ष हैं मुश्ताक सर कानपुरती, आरिज भाई हमारे उभरते हुए सितारे इंशाल्लाह 2022 के, और तमाम मेरे युवक टीम है और साथ में आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं भी वसीम देशमुख को क्या है क्या नहीं है, मैं इनको क्यों शरीक किया हूँ पार्टी में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। काफ़ी अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी पार्टी में शरीक होने के हिसाब से नहीं, ये जो एक बीड़ा उठाए हुए हैं, ये जो एक जिम्मेदारी के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में हमारी चर्चा होती थी अक्सर हमेशा। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि सोलापुर के करीब यहाँ पर घरकुल करके जो वसाहत है वहाँ पर गरीब लोगों के लिए फ्री में घर बोल के आज तक राजनीति की गई है, उसी में दो तीन प्रोजेक्ट चालू है, एक रे नगर है, एक गोदूताई है और जो भी है, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक लोगों के लिए घर का हुआ है। तो ये काफ़ी सालों तक उस घरकुल स्कीम के हिस्सा रहे हुए लोग हैं, तो इनको इनसाइड आउटसाइड पूरी स्टोरी मालूम है। तो आज इनके कुछ समझ में आया होगा कि वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, वहाँ पर घोटाला हो रहा है, इन लोगों ने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की है लेकिन इनकी लड़ाई बहुत दिग्गज ताकतों से जिसमें ये कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए, इन लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से कानूनी तौर पे वो लड़ाई को जारी रखे और उसी लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए, उसी लड़ाई की आवाज़ को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाने के लिए, जैसे वसीम भाई ने बताया कि विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, उस लड़ाई को हम लोग और आगे प्रोजेक्ट करने के लिए आज ये लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एमआईएम पार्टी का मकसद ही है ये मजलूमों की आवाज़ बनना, जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना, जहाँ पर नाइंसाफी हो रही है उसका सर कुचलना, तो आज उसी भीड़े को हम लोग आगे पहुंचाने के लिए आज माशाल्लाह मेरे हाथ और मजबूत करने के लिए वसीम देशमुख और इनके साथ एजाज खलीफा जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों को आज यहाँ पर ये वादा करता हूँ कि इसके अंदर जो भी मुमकिन मदद मैं कर सकता हूँ, हमारी पार्टी कर सकती है इसके तय तक पहुँचने के लिए, ताकि अगर वाकई में इसके अंदर कोई घोटाला हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको उजागर करने के लिए जो मुमकिन कोशिश है वो हम करेंगे, ताकि हमारी जो गरीब माँ बहनें हैं जिन्होंने सालों साल से घर का सपना देखे हैं, उस सपने को हमको साकार करने के लिए हम सबको लड़ाई लड़ना है। अभी एक ऐलान कर दिया वसीम भाई ने
कि आने वाले टाइम में जब ग्राम पंचायत के वो इलेक्शन होंगे तब वहाँ MIM पार्टी भी लड़ेगी, तो MIM पार्टी तमाम इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह। और लोगों को सोलापुर का राजकारण आप लोग को मालूम होगा, मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है। एक बोलते है तुम मारे सर का कर, मैं एक बोलता मैं रोहित सर का करता हूँ करके। तो यहाँ पे जो भी सत्ता में है और विपक्ष में है वो एक सब मिली भगत है, इसीलिए सबका सबको पहुंच जाता होगा मेरे हिसाब से, तो इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता है। ये एक ही पार्टी है पूरे भारत देश में जो बेबाकी के साथ, जो निडरता के साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में पूरे भारत में ऐसी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी अगर वो है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी। क्योंकि ये पार्टी को कोई मारे सर का नहीं कर सकता है, और ये पार्टी रोने वाली भी नहीं है, ये दूसरों को खिलाने वाली है। तो बहुत बहुत खेल हो गया भाई। यहाँ आने का मेरा मकसद ये नहीं है, ये सब खेल करने का नहीं है। वाकई में जिसका जो हक है वो हक आप लोगों को दिलाने के लिए फारूक शाकिर है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो ये मेरे भाई बैठे हैं जो नौजवान, कब तक बेरोजगार रहेंगे? अल्लाह पाक मेरे को ऐसी ताकत दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी ताकत दे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, आपके रोजगार के लिए कुछ कर सकूँ, मेरी माँ बहनों के रोजगार के लिए कुछ कर सकूँ, उनके घरों के लिए कुछ कर सकूँ, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल अच्छा हो सके, उस चीज़ की लड़ाई लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाता है। पॉलिटिक्स करेंगे, जरूर करेंगे, आप जैसी नई सोचे होंगे उससे बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह, और जीत के हमारा झंडा लहराएंगे हम लोग। लेकिन ना इंसाफी नहीं करेंगे, ना होने देंगे, ना उसको बर्दाश्त करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में आप दोनों भाइयों का स्वागत है। मैं चाहूंगा अपनी लड़ाई को जारी रखे, और कायदे से जो भी जो पुराने जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस आप जमा कर सकते हैं उसको जमा करिए, उसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द 2022 कॉरपोरेशन इलेक्शन है भाई लोग, हम लोगों को हमारे जहन में एक टारगेट वो भी रखना है। अभी सब पार्टियों में बड़े 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 नामों का वो चल रहा है कि ये आया वो आया वो आया, लेकिन ये जो आया ये काम वाला है, काम करने वाला यहाँ आएगा, जो लोगों के बीच में है वो यहाँ आएगा। बड़े बड़े नामों की हम लोगों को जरूरत नहीं है, हमारे पास MIM पार्टी का नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है, जिनको लेकर हम लोग आगे जाएंगे। आप लोग सब ऐसे ही साथ में रहिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ और साथ से मजलिस का झंडा बहुत ऊंचा लहराएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, मैं जय हिंद से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।